अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे आज। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको बिलीव करना है, जीसस पर बिलीव करना आज, मेरे प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करना आज। वो आज आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। याद रखना, नबी के स्थान पर जाना और उसके साथ जुड़ना और उनके साथ संगति करने से आज तुम और ही मनुष्य हो जाओगे। आमीन। मैं समय प्रार्थना कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं परमेश्वर। मैं समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जितने लोग यहां पर बैठे हैं परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता इनके घर में, इनके परिवार में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जब मैं घर से निकला सुबह 4 बजे, आप कितने बजे निकलते हैं घर से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आत्मा में सुबह 4 बजे निकल पड़ता हूँ अपने घर से प्रार्थना करने के लिए। अपने बेड से उतर जाता हूँ। सुनो, कोई इंग्लिश बोलने वाला है कि आज सारी इंग्लिश मैं ही बोलूं? तो आपको सुनना है, परमेश्वर ने मुझे रात ही इंग्लिश में कुछ मैसेज दिए थे, तो वो मैं प्रभु से पूछा और मैंने लिखा। और मुझे नहीं पता था कि आज हमारे चर्च में कुछ फॉरेनर भी आएंगे। हालेलुया। हम क्लैपिंग करके स्वागत करेंगे इनका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, होली स्पिरिट ने मुझे रात ही बताया, तो मैं कुछ बातें आपके साथ कर रहा हूँ। आप बोर नहीं हो ना? कुछ मैं हिंदी में बोलूंगा, कुछ आज मैं इंग्लिश में बोलूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप सब लक्की लोग हैं। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल, उसका 10 चैप्टर, उसका 5-6, देखो क्या लिखा उसके अंदर। फटाफट स्क्रीन पर दिखा लाली। हाँ, फर्स्ट शमूएल जिसको मिला वो इंग्लिश में पढ़े आज, हिंदी में नहीं। उसका 10 चैप्टर 5-6 सब पढ़ें जल्दी से। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। कोई पढ़े जान, हिंदी में पढ़ो फटाफट। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। उनके आगे सितार, डफ, बांसली और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। देखो इंग्लिश में दिखा है इसको, इंग्लिश में क्या लिखा? तब तुम परमेश्वर, सुनो क्लियर लिखा, परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे दिखाई देगा, मिलेगा, और उनकी संगति करने के बाद करे तू और ही मनुष्य हो जाएगा। समय वो वहां ताड़ियां बजा रहे होंगे, डपली बजा रहे होंगे, सारंगी बजा रहे होंगे। अब मैं इस बात को इंग्लिश में कहना चाहूंगा, करे गोइंग टू प्रॉफिट्स प्लेस एंड ज्वाइनिंग विद देम एंड डूइंग फेलोशिप विद देम, यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। Those who are saying Amen, they are going to be a famous. बोला हालेलुया। कह रहे हैं कि तुम famous हो जाओगे आज से। Amen. मैं फिर कह रहा हूं, जितने आमीन बोल रहे हैं, they are going to be famous. Amen. In Jesus name. They are going to be famous. In Jesus name. आप famous होंगे। मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं जो आज नबी के स्थान पर आए हैं, आज जो परमेश्वर के भेजे हुए प्लेस पर आए हैं, उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे, वे सबसे आगे जाएंगे, बड़े बड़े लोग उनका फेवर करेंगे। आज से आपका कैरियर, आपकी लाइफ, बिजनेस, आपका माइंड स्पीड से काम करेगा, स्पीड से। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, तुम आज से अपनी लाइफ में, घर में शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में।
जितने आमीन बोल रहे हैं जीतेंगे वो। आमीन। आई एम प्रोफेसिंग फॉर देम दे विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। फिर कह रहा हूं टॉप, यू आर टॉप। दे विल गो हेड ऑफ एवरीवन। बिग पर्सनैलिटीज विल फेवर यू। हालेलुया, हालेलुया। फ्रॉम टूडे योर कैरियर लाइफ बिजनेस एंड योर माइंड विल वर्क विद स्पीड। आई एम प्रेइंग फॉर यू। फ्रॉम टूडे यू विल सी पीस इन योर लाइफ योर हाउस। आमीन, आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे। क्या आप तैयार हैं आमीन बोलने के लिए? आप आशीष को लेने के लिए? कह रहे हैं कि ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर क्यों आई है? क्योंकि आप एक नबी के प्लेस पर आए हैं। आपने अभी पढ़ा परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि तू जा नबी के स्थान पर। आप कहीं से भी आए हैं, कहीं से मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। याद से आंखें खोलकर समझ जाना, मैं अपनी प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बातों का प्रचार कर रहा हूँ। कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए, भविष्यता भेजा ना जाए, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सुन रहे हो? प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। जितने इस प्लेस से प्यार करते हैं और जो जुड़े हुए हैं, आज के बाद ये भविष्यवाणी है, आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे। फिर कह रहा हूं, आज से आप फेमस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बिग पर्सनैलिटी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विल फेवर यू, मतलब परमेश्वर का फेवर आपको मिलेगा, बड़े बड़े लोगों का फेवर आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का फेवर आप देखोगे, आप जीतोगे, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि विक्ट्री आपके पैरों को चूमे? तो आप प्रभु यीशु मसीह को फ्रैंक किस दे दो आज। जी आई लव यू जीसस। कितने बोल सकते हैं आज? इंग्लिश में ये हमेशा गंदे वर्ड के लिए बोला होगा, अच्छे वर्ड के लिए बोलो आज। परमेश्वर के लिए बोलो आई लव यू जीसस, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। आप करते हो ना यीशु मसीह पे विश्वास? yes. तो आपको बोलना है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हम प्रेरितों के काम 4:13 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। कह रहे कि यहाँ पर परमेश्वर ने भविष्यता के द्वारा शमूएल को कहा शाऊल को कह कि तू अब और ही मनुष्य हो जाएगा अगर तू प्रॉफिट की संगति करेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। प्रेरितों के काम 4:13 में जब पतरस और पौलुस चमत्कार कर रहे थे, yes. तो लोग आकर कहने लगे, कहते ये तो गरीब से साधारण से लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कह रहा है ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। कहता है ये तो गरीब और साधारण से लोग थे। कहता है ये गरीब और साधारण से लोग, कोई कैसा भी हो, जो यीशु की संगति करता है, नबी की संगति करता है, वो साधारण नहीं रहता उस दिन से। हालेलुया, हालेलुया। आज से अपने अंदर गरीबी के शराब को तोड़ दो आज। आज से अपनी नाकामी को तोड़ दो आज। आज तोड़ दो उन बातों को आज जो आपके अंदर विचारों में घुमा रही है, आपको निराश कर रही है आज। आज आपको कहना है कि मैं अब कमजोर नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं समस्या में नहीं हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन बोलने वाले आजाद हो चुके हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ जो चीज, जो बात आपकी स्माइल को रोक रही है, आपकी स्माइल में रुकावट बनी हुई है, मैं आज आंख बंद करके उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। किसी को लगता है कि मेरी स्माइल रुकी हुई है, कोई बात ऐसी है, आज अपनी फोटो, अपना सामान जो अपने हाथ में लाए हो उठा लो आज। परमेश्वर आपका कर्जा, आपकी बीमारी, आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा आज। आप फेलियर नहीं रहेंगे आज। जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो पा रहे, इस वीक में आप स्माइल करेंगे। आमीन बोलने वाले, मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीक में आप स्माइल करेंगे। आमीन। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे स्माइल नहीं करेंगे, आपका आमीन ऊंचा नहीं है। आमीन। आप स्माइल करने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना, जब आप चर्च आते हैं तो आपको समझ जाना है कि आप एक नबी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बिजली की सप्लाई बिना वायर के नहीं जाती ना, वैसे ही जीसस की अनॉइंटिंग भी बिना सप्लाई के जाती नहीं है। वो सप्लायर हम हैं और आप हैं। हालेलुया। आपको लोगों के लिए सप्लायर बनना है। जब आप उन्हें गवाहियां देते हैं, टेस्टमनी देते हैं, तो आप सप्लायर बनते हैं। आज जितने लोग सप्लायर बन रहे हैं, उनके घर में से ये बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आज आप चाहते हैं गरीबी, कर्जा, नशा, बीमारी आपके अंदर से खत्म हो जाए, तो आपको दो काम सीख लेने हैं। एक चर्च आना सीख लेना है, चर्च आना कंपलसरी कर लेना अपनी लाइफ में। परमेश्वर कंपलसरी करेगा एंजल को रोज आपके घर भेजने के लिए, डेली आपके गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो। आपको कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड आपके इस गेट पर खड़ा हो, आपके घर में नौकर चाकर हो, काम करने वाले सेवक हो, अच्छा लगता है? तो परमेश्वर ऐसे एंजल को आपकी सेवा करने के लिए भेजेगा। जो उपवास करते हैं इन दिनों में तैयार हो जाएं, जो उपवास करते हैं उनकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत उतरते हैं। इस समय जिनके पास बेटा नहीं है सिर्फ वो आगे आएंगे, आज मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। और जिनके पास कॉइन है अपने हाथों में उठाओ कॉइन को, जिनके पास बेटा नहीं। और हर बार आपको मैंने बोला कैसे खड़े होना है, वैसे खड़े होना लाइन में। जी संग है यहोवा तो फिर क्या बात है, तू ना घबराए, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराए, यहोवा तेरे नाल है। जी सुन ले यहोवा तो फिर क्या बात है, जी सुन ले यहोवा तो फिर क्या बात है, तू ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है। सारे बोलो हालेलुया। मैं ये कॉइन 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 को अपने हाथों में उठा लो, बोलो पुट द कॉइंस इन योर हैंड्स। जोर से बोल बेटे, कॉइन अपने हाथों में उठाओ, पिक कॉइन इन योर हैंड्स, ऊंचा करो अपने कॉइन को, शाबाश, पिक योर कॉइंस इन योर हैंड प्लीज। मिराकल मनी कॉइन है ये, इट्स अ मिराकल मनी कॉइंस। कितने लोग जानते हैं पतरस को यीशु मसीह ने कॉइन दिया था? हाउ मेनी पीपल नोस जीसस गिव कॉइंस टू पतरस? पतरस को कॉइन मिला, पतरस रिसीव अ कॉइन फ्रॉम जीसस, जब वो विश्वास कर रहा था इस बात पर, व्हेन ही वाज बिलीविंग, जब उसने यीशु की बात पर विश्वास किया, व्हेन ही बिलीव्स इन जीसस, उसको परमेश्वर ने कॉइन दिया, देन जीसस गिव्स हिम कॉइन। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे, इफ यू बिलीव मी, आज परमेश्वर आपको मिरेकल वाला कॉइन देगा। आपके साथ फेवर होगा परमेश्वर का, Jesus will favor in you. आज आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप रेडी हैं आज? तैयार हैं आज? फिर से कह रहा हूं, दैट थिंग विच इज हिंड्रांस इन योर स्माइल, मैं कह रहा हूं आपके चेहरे की स्माइल वापिस आएगी, जो रुकावट है वो वापिस आएगी, योर डेप्ट, योर डाइसिस और योर जो भी कोई आपकी जिंदगी में, और योर फेलियर इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ विच यूर आर नॉट हैप्पी, यू विल स्माइल इन दिस वीक। फिर कह रहा हूं कि यू विल स्माइल इन दिस वीक। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, यू विल स्माइल इन दिस वीक। आमीन। मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते में आपकी स्माइल वापिस आएगी। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हेलो, अगले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो यू विल स्माइल इन दिस वीक। बोलो हालेलुया। आपको कहना है कि ये मेरी स्माइल मेरी वापिस आएगी। वापिस आएगी। विश्वास करते हैं आप? यस यस। अपने बत्तीसा दिखाओ, गुड न्यूज मिलेगा। बाइबल बोलती है जो हंसते नहीं है, जो स्माइल नहीं देते हैं, उनको खुदा भी स्माइल नहीं देता है। ये तो हमें पता ही नहीं था, बोलना। Bible said the people who don't smile Jesus will never do work in their life and they will never smile. सारे बोलो हालेलुया। जीसस उनको स्माइल देते हैं जो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बोलती क्यों नहीं है, बोलना फटाफट। जीसस उनको स्माइल देते हैं, Jesus gives smile to them people जो उसका काम करते हैं, who do their work, जो उसकी गवाहियां देते हैं,
who give testimonies. आज फेवर करेगा परमेश्वर, आपको देखना चाहता है मेरा परमेश्वर. Jesus want to see you. Hallelujah. Hallelujah. आइए सब अपने हाथों को उठाओ, डरो नहीं बेटे, जब बोलना तो बोल. विश्वास करना है. मुझे आती तो मैं फटे ही ना चक देता. सारे बोले हालेलुया. हालेलुया. मैं कह रहा हूं कि गोइंग टू बी मिराकल्स पर्सन आपके जीवन में आएंगे यीशु मसीह के नाम में. आपके जीवन में आएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे. मैंने क्या कहा है, गोरे काले भी यहां आया करेंगे आशीष पाने के लिए. और एक दिन आएगा प्रभु मुझे, प्रभु ने मुझे कहा बड़ी जल्दी मुझे ब्लेसिंग मिल रही है, मैं जा रहा हूँ, परमेश्वर आशीष देगा. हालेलुया. आपको विश्वास करना है, इसी समय तैयार रहना है. फटाफट बोलना है जोर जोर से. मैं देख रहा हूँ किसी बहन को. I see your sister. कोई बहन है यहाँ पर. There is a sister. उसके पेट में तकलीफ है. And she has a trouble in her stomach. उसके पेट में यूट्रस में प्रॉब्लम है. And there is a problem in her uterus. परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है. Holy Spirit is saying to me. बहुत सारी बातों में. In so many ways. डॉक्टर ने जवाब दे दिया है. Doctor resigned. लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है. But Holy Spirit says. कि उसका नाम S या M या M से है. And her name start from S or M. परमेश्वर उसे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है. Yes, he is going to bless her. हाँ हाँ, मैं इस बहन को ऊपर बोला. नाली है ओ नाली है, यहोवा तेरी नाली है. हाँ सुनो. Listen. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. Holy Spirit is talking to you. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है. Holy Spirit is telling to me. मैं आपके घर में बहुत सारा क्लेश देख रहा हूँ. I see so many troubles in your house. बहुत दिन से लड़ाई चल रही है. Yes, Papa. And the fight has begun from many days. आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. Yes, and you are facing so many problems. डॉक्टर ने बोला यूट्रस में प्रॉब्लम है. Yes, Doctor said there is a problem in your uterus. आप रो रहे हैं काफी दिन से. And you are crying for many days. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है. Yes, Holy Spirit is talking to you. तो जितने दिन से परेशान है. Yes, Papa. From days you are going to be troubled. 3 महीने से एक ब्लैक मैजिक हो रहा आपके साथ. I see a black magic for 3 months. आपके ड्रीम में प्रॉब्लम हो रहा है. Yes, Papa. And there is a problem in your dream. कुछ मरे हुए लोग आते हैं. Yes, Papa. And so many died people. स्नेक दिखाई देते हैं. Yes, Papa. And you see snakes. वो इस समय मेरे बोलते निकलने वाले हैं. Yes, Papa. आपके पास बच्चा नहीं है. You don't have a child. बेटा मांग रहे हैं. Yes, Papa. 5 ईयर हो गए. Yes, Papa. अभी इसी समय निकल रहे वो शराब. बाहर जाए. Out, out, come out, come out, come out, come out. निकला बाहर, निकला बाहर, निकला. आ फायर यीशु मसीह के नाम में. संगे है यहोवा, ताकि से दी क्यों पाल. वो खोल और चिल्ला निकल जा इसके अंदर से. Out, come out. अबला बा शबला बा बला बा शबला बा बला बा शबला बा. Da 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 da. Son. मैं आदेश देता हूँ. Listen, I'm telling you. मैं कमांड करता हूँ. I'm commanding you. इसको छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में. Leave her in the name of Jesus. इस साल में ये गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में. She will get pregnant. Amen. Amen. आप सब देख लेना. बोलती क्यों नहीं है, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? किधर उधर देख रही है. आप सब देख लेना. You will see. परमेश्वर इसको 2024 में Jesus will bless her in the year of 2014. दिसंबर के महीने में. In December month. इसकी गवाही आएगी सबके सामने. Amen. Testimony. December month. In is testimony. December month she will give testimony. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप बिलीव करते हैं मेरे पर? Are you believing on me? क्या आप मेरे प्रभु पर बिलीव करते हैं? Do you believe in Jesus? कोई खाली हाथ नहीं जाएगा आज. Amen. अपने कॉइन को उठाओ. Pick your coins in your hands. ऊपर करो. प्रभु यीशु मसीह में इस समय प्रार्थना करता हूँ. पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हर एक ब्रांच से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, समय पवित्र आत्मा श्रीलंका क्या, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा कनाडा से, पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया के हर कोने से, परमेश्वर जो समय दिल्ली से, महाराष्ट्र से,
पवित्र आत्मा गोवा से, केरला, राजस्थान, आसाम, पवित्र आत्मा जो भी जन परमेश्वर जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। ये कॉइन इनके लिए आशीष का कारण हो। पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी जम्मू में समय परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा हूँ आपके ऊपर, कि आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आ रही है, वो सामर्थ आ रही है और आप बढ़ते चले जाएंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे आज से। पवित्र आत्मा ये कॉइन इनके लिए आशीष का कॉइन हो आज से यीशु के नाम में। बोलो आमीन। इस हफ्ते में ये कॉइन आपके लिए मिराकल करेगा, क्योंकि ये प्रार्थना करके मैंने कॉइन दिया है। इसको आपने खर्च नहीं करना, अपनी जेब में रखना है। You have to put this coin in your pocket, not to be spent. यीशु मसीह ने पत्रस को दिया था। Jesus gave this coin to Petrus. जब आप इस कॉइन को अपने पास रखेंगे, when you अपने पास रखेंगे, तो प्रभु का वचन बोलता है, जिसके पास है, who have, उसको और भी दिया जाएगा। Amen. तो आपको अपने पास रखना, आपके पास बहुत सारा धन की आशीष को रिलीज कर रहा है परमेश्वर। So many miracles in your life. कितने लोग चाहते हैं कि मुझे बच्चा मिले? How many people want to be babies? चाहते हैं बच्चा मिले? Yes. प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, Holy Spirit is telling to me, बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारी लेडीज के नाम बता रहा है। So many ladies names Jesus said to me. हाँ, एम से किसका नाम है? जोर से बोलो। है मेरा नाम। एम से किसका नाम है? मेरा नाम मंदीप। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो, मैंने कोई ए टू जेड कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ एम से लिया इसका नाम। इसका नाम एम से है। Her name start from M. Holy Spirit ने मेरे को बोला। Yes, Holy Spirit is telling to me. और वो कह रही है M से है मेरा नाम। And she said my name start from M. हस्बैंड का नाम है। हाँ, जो भी है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit is talking to you. और इसी समय गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से। It's from Holy Spirit. कोई सुनीता है? I see a Sunita. सुनीता बेटा नहीं है, सुनीता। And she don't have a baby. Your name is सुनीता। सुनीता। बच्चा नहीं है आपके पास? You don't have a child. You don't have a child. जो भी है, child नहीं है। अपने हाथों को उठा, तुझे child मिलेगा अभी यीशु मसीह के नाम में। You will receive a baby in the name of Jesus. हाँ, मैं से देख रहा हूँ किसी के पति का नाम है कालिया। I see the husband name from a Kalia. कालिया, काला, कालिया किसी को बोलते हैं। हाँ, yes, Mike, yes, husband, yes, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, काला है। आज से वो गोरा हो जाएगा। And he is going to be fair from today. सही कह रहा हूँ। Is it right? जब वो खुश होगा अंदर से, When he happy, तो वो मन से भी गोरा हो जाएगा, ऊपर से भी हो जाएगा। And he will become a fair. क्योंकि उसको जाकर बता देना तू बाप बनने वाला है। And said to him, you are going to be become a father. ये परमेश्वर की ओर से। It's from Jesus side. मैं एक एक के नाम ले सकता हूँ यहाँ पर। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit is talking to you. और इसी समय प्रभु का अनुग्रह हो रहा है आपके ऊपर। And Jesus going to bless you all. क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे? You want blessings? इसको अपने हाथों में जो भी है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, साइड में रखे हो, शाबाश, पकड़ा दो किसी को। अब इसी समय सब मिलेगा आपके पास। नीचे रख लो, नीचे रख दो, अपने हाथों को पकड़ो। और इसी समय अपने पेट पर अपने हाथों को पकड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ सप्लाई। Hold your hands. मैंने ऐसे बहुत सारे लाखों लोगों के लिए प्रेयर किया। I pray for millions people. कोई तीन महीने में, कोई चार महीने में, पांच महीने में गर्भवती हो गई वो औरतें। And everyone get blessed in few months. आप गलती क्या करते हैं? जब आप गिरते हैं तो आप जल्दी उठ जाते हैं। You do some mistakes. यहाँ पर एंजल आए हुए हैं। And there are so many angels. एंजल आए हुए हैं। अपने पेट पर हाथ रखना है, अभी नहीं, अपने हाथों को उठाओ, एक दूसरे को सप्लाई दो आज। मैं सिर्फ एक लेडीज को छूंगा और उसको आशीष मिलेगा। Lady. सुनो, लेडी, कम हियर, ब्लू, हाँ, कम हियर, हाँ, कम हियर, हाँ, आजा, बाकी हाथ पकड़ लो सब, आगे आजा, शाबाश, कम, हाँ, You have to hold your hands. खड़ी हो जाओ, जल्दी कर, जल्दी, हाथ, जल्दी आजा, फटाफट, एक हाथ मेरा पकड़, और एक हाथ उस लेडीज का पकड़, Hold my hand. उधर, उधर, उसका पकड़, नीचे उतर जाए, हाथ पकड़ इसका, हाँ, बस, पकड़ लो, हाँ, और
जैसे इसको करंट लगे छोड़ देना सबने हाथ, और देखो मेरा इकल होगा, जोर से बोलना है, एक वन, जोर से बोलो, जितना जोर से बोलोगे आशीष आएगी आज, दो, तीन, ये देखो आ गया यीशु फायर, पांच, प्लीज, पावर, हे पिछट मासे, पिछट कैमरामैन, अपने पेट पर हाथ रखें, शाबाश, पुट योर हैंड्स ऑन योर स्टमक, हट जा मासे, पवित्र आत्मा जी इसी समय, ए वॉलंटियर, हट मासे, अपने पेट पर हाथ रखो, पुट योर हैंड ऑन योर स्टमक, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के आज से इनके घर में आशीष आने पाए, होली स्पिरिट ब्लेस ऑल लेडीज, जिसके पेट में कोई प्रॉब्लम है अभी इसी समय, देखो जिसको काला जादू किसी को खिलाया पिलाया, अभी ब्लैक मैजिक, अभी वो चीखेंगे चिल्लाएंगे और वो निकल जाएगा बाहर, came out. आपको शर्माना नहीं है, you don't निकल रहा है बाहर, कम आउट, यस कम आउट, ऊपर देखो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, फायर 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 फायर, आपका शरीर कांप रहा और निकल रहा बाहर, अरे बाहर, अरे बाहर, अरे बाहर, अरे आउट आउट, निकल आओ 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 निकलो निकलो बाहर बारो 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 प्रेयर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फ्री हो जाओ, अपने 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 हाथों को ऊंचा उठाओ और निकलो, शराब को तोड़ देता हूं उनके ऊपर से, और जिन बहनों ने हाथ उठाए इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, बच्चों के साथ गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, एंड यू विल रिसीव अ गुड न्यूज, जिसको तकलीफ हो रही है वो खड़े हो जाओ, बाकी लेटे रहो, बाकी लेटे रहो, मैं कह रहा हूं कि आज गुड न्यूज मिलेगा, जिसको तकलीफ हो रही है उठो, एंड यू ऑल रिसीव गुड न्यूज, सिर्फ वो लेडीज उठो जिसको तकलीफ हो रही है, और उसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, अमलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, चलो उसी समय निकल जाओ, आग आ रही है, ए फायर आउट आउट आउट, आ गए आ गए आ गए आ गए, निकल आओ प्यार यीशु मसीह के नाम में फ्री, और इसी समय तीन बार उछलो, खड़े होकर उछलो और विश्वास के साथ उछलो, बोलो तीन बार कहो मैं मां बन गई, जोर से बोलो, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा अपने हाथ तो अपने सिर पर रखो, शाबाश, और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथ सिर पर रखे, मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तेरे दाहिने बाईने हाथ में, परमेश्वर के दाहिने बाईने हाथ में, परमेश्वर के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और हैंड, लेफ्ट और राइट हैंड्स इन जीसस हैंड, धन महिमा, मनी एंड प्रेज, ग्लोरी, धन महिमा और लंबी आयु की आशीष है, एंड लॉन्ग मैन, आज से आपको धन महिमा और लंबी आयु की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, यू विल रिसीव सो मेनी ब्लेसिंग्स, आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप बैठ जाओ यहीं पे, पीछे के बैठ जाओ, शमश पीछे कोई नहीं जाएगा आज, इनके लिए स्पेशल प्रेयर होगी, शमश बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ 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 अपने स्थान पर, चले जाओ सामने, इधर करके बिठा दे, शाबाश, हाँ जिनके पास बच्चा नहीं है उनको इधर बिठा दे, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, टेस्ट मनी का टाइम है, हाँ हाँ, तू ना कबरावे, कैमरे से इधर बिठा दे, यहोवा तेरे नाल गए, जिनके पास बच्चा नहीं है मैं फिर प्रेयर करूंगा, कैमरे के इधर बैठो, शाबाश, हाँ, यहोवा तेरे नाल गए, के संग है यहोवा, किसे दी क्यों पाल गए,
हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। देयर इज पावर इन जीसस नेम, देयर इज मिरेकल इन जीसस नेम। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के नाम में पावर है, यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में चंगाई है। जितनी भी सिस्टर्स हैं आप प्लीज कॉपरेट करें और ढंग से बैठें, हम गवाही सुनेंगे। हमारे बीच में बहुत सी गवाहियां हैं। सिस्टर्स प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे हो, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ। यस, हम टेस्टिमनी सुनेंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा, यीशु नाम, यीशु नाम। कितने यीशु नाम को बोलने के लिए रेडी हैं? हम गवाही सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे, खुदा के नाम की महिमा करेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। गवाही लेंगे सर। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus name, power name, Jesus name, glory name, Jesus name, power name, Jesus name, Jesus name, power name, Jesus name, glory name, Jesus name, power name, Jesus name. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam. आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने? तो आपको परमेश्वर के कहने में चलना है। जितनी भी सिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जहाँ आपको बैठाया जाए आप वहीं बैठें। गवाही लेंगे, हमारे बीच में गवाही हैं, बहुत सारी टेस्टमनी है। लोगों ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मिरेकल टेस्टमनीज सिस्टर की लाइफ में बनाई। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और सिस्टर की गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी गवाही में बता रहे, इनको 10 साल से स्किन एलर्जी थी और जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, ऑयल और वाटर को यूज किया, आज स्किन एलर्जी से चंगे हो चुके हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जीसस नेम पावर नेम, जीसस नेम पावर नेम, जीसस नेम हायर नेम, जीसस नेम। ये सब सिस्टर की गवाही सुनेंगे, ये सिस्टर की गवाही सुनेंगे, जल्दी से गवाही देंगे। मेरे वाले सारे नु जय मसीह दी, पास्टर जी नु जय मसीह दी। मेरी गवाही ये है कि मेरे पति ने 10 साल तो एलर्जी की प्रॉब्लम ही, ऑयल वाटर यूज किया और प्रोफेसी को रिसीव किया, वो एलर्जी तो आजाद हो चुके हैं। सिस्टर ने बताया 10 ईयर से इनके हस्बैंड को स्किन डिजीज थी, एलर्जी थी, चंगे नहीं हो पा रहे थे। विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को चंगा किया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जीसस नेम हायर नेम, जीसस नेम पावर नेम, जीसस
next, next. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam. Yeshu naam, Yeshu naam ki jay. Yes. कितने लोग चाहते हैं आज आपके जीवन में काम हो, ऑनलाइन चर्च के आप चाहते हैं आज परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे. इफ यू बिलीव यू से मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस. इफ यू बिलीव लॉर्ड डू मेनी वर्क्स इन योर लाइफ. हाउ मेनी पीपल बिलीव इन द लॉर्ड. कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर पे. इफ यू बिलीव यू सी द मिरेकल. इफ यू बिलीव यू सी. कितने चाहते हैं आज परमेश्वर बात करे, अपना विश्वास दिखाएं आज परमेश्वर को. हम अगली गवाही की ओर जाएंगे, गवाही को सुनेंगे. यस पास्टर, इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है. ये सभी बता रहे हैं जो काफी टाइम से घर लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे. जैसे ताजपुर चर्च में प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे आपको घर बिनने के लिए जा रहे, उन्हें प्रोफेसी को रिसीव किया जो घर के साथ प्लस आ चुके हैं. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. बहुत दिन आते सोचती थी कि प्रभु मुझे एक कमरा में गुजारा नहीं हो रहा किराए तक, लेकिन परमेश्वर मुझे कमरा दे एक कहीं अच्छा सा देना. लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे दो कमरे दिए ऊपर और थल्ले. इतनी जगह है कि मैं 50 बंदे सुवा सकती हूँ. लेकिन मुझे बड़ा विश्वास था आज मेरे प्रभु ने ये पूरा किया है और मैं इसीलिए गवाही देने आई. मैं पापा जी से ऑनलाइन प्रार्थना करवाई थी और इन्वर्टर लेके गई थी उससे भी लगा के. मैं यही कहती थी जब आती थी चर्च तब यही कहती थी प्रभु मुझे घर दे घर दे. आज मुझे घर मिल गया है, परमेश्वर ने मेरा घर दे दिया. कितने लोग खुश हैं. सिस्टर पे घर नहीं था, इन्वर्टर नहीं था, प्रोफेसी को रिसीव किया परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेटिक वर्ड कहे. सिस्टर अपने हाउस के साथ ब्लेस हो चुकी है. परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे. कलीसिया आज तालियां बजाएं, विश्वास करें क्योंकि खुदाबंद वो यीशु मसीह अपने दास के साथ आज आपको नजर आने वाला है. जितने विश्वास करेंगे अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ आज तालियां बजाएं कि खुदाबंद का वो नबी, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में अपने दास के साथ आपको नजर आएगा. तालियों के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में. Open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. सारे बोलो हालेलुया. विश्वास करें आज परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में. अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, शाबाश. जितने विश्वास कर रहे हैं गुड न्यूज के साथ आएंगे. आमेन. तैयार हैं आप? हाँ हाँ, शाबाश. गवाही को सुनेंगे, शाबाश. हालेलुया. प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है. ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनका बेटा यूएसए के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन वीजा नहीं मिल रहा था. जैसे ये बहन चर्च में आई, स्पेशली आपसे अपॉइंटमेंट लिया, ये बहन बता रही है ये बहन के बेटे को यूएसए का वीजा मिल चुका. बल्ले 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 बचते हो गई. बल्ले बल्ले बोलो हालेलुया. सारे बोलो हालेलुया. हालेलुया. आप सुन रहे हैं ये पुलिस मैन, जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया. इस पुलिस मैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले यूएसए की. मैंने कहा चिंता ना कर, यू कैन गो नाउ फास्ट. मैंने कहा आपका बेटा जल्दी जा रहा है बाहर. और आपके सामने देख लो, प्रेयर कराने के बाद इनका एक्चुअली दोस्त का बेटा यूएसए चला गया था. yes. तो उस दिन से इनको भी होने लगा मेरा बेटा भी यूएसए जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चर है ये कि अगर इसके घर इसने घर ले लिया तो मेरे को भी घर लेना है. लेकिन अच्छी बात है, इसने प्रेयर कराई, इसने विश्वास रखा. अमृतसर से आता है स्पेशल. आज सुनेंगे इसकी गवाही को सुनेंगे, शाबाश. हाँ जी, हाँ जी, हेलो. हाँ जी, जय मसीह. हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. जय मसीह दी. मेरे आदमिक पिता जी नु जय मसीह दी. सारी कलीसिया नु जय मसीह दी. मैं परमेश्वर दा बहुत धन्यवाद करता. मेरे आदमिक पिता ने जदों मेरे बेटे दे पासपोर्ट उत्ते ले हैंड प्रेयर कीती
मेरा बेटा यूएसए दे विच पहुंच चुका है। मैं सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देता हूं और अपने आत्मिक पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जदर नल होवे दुआ इमोज से हुंदे ने जदर नल होवे दुआ इमोज से हुंदे ने। हालेलुया। ये परमेश्वर है, देखो आपके सामने है, ये बहन बता रहे हैं, ये भाई बता रहा है, और आपके सामने देखो पुलिस वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज मिठाई का डब्बा भी लेकर आए हैं। बोला हालेलुया। देखो और भाई साहब सोने की गुट्ठी भी लेकर आए हैं। हालेलुया। कोई ऐसे नहीं लेकर आता भाई साहब, आपको पता ही है क्यों लेकर आए हैं ये, क्योंकि इनका बेटा यूएसए में चला गया यीशु मसीह के नाम में। yes. ले हैंड प्रे कराने के बाद ये विश्वास करना है, जब आप चर्च में आए हैं, आप नबी के साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा शमूएल करें कि जाकर शाऊल को कह दे कि जिस प्लेस पर नबी मिलेगा तुझे और अगर तू उनके साथ सही होकर संगति करेगा तो तू पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा और ही मनुष्य हो जाएगा। yes. और ही हो जाओगे आज से। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह, बादशाह 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 जिते हो गई बल्ले 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 जिते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उते थले आसमाना दे उते थले हर किसे दा लाना चले बल्ले 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 जिते हो गई बल्ले 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 जिते हो गई जी दे नाले। बोलो 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 अपने हाथों को उठाते हुए शाबाश। आपको एक बात बता रहा हूं, प्रॉफिट बजिंदर का नाम प्रॉफिट बजिंदर ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं पहली क्लास में था तो डड्डू की रेस्ट में फर्स्ट आया था। जब मैं चौथी क्लास में आया तो मैं बोरी वाली रेस में फर्स्ट आया था। yes. और मेरे को जिताने वाला एक सरदार था मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत लंबा था मेरे से। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे हर समय फर्स्ट रखा। Yes. और आपको बता रहा हूँ नाचने में भी मैं नंबर बनाया था अपने स्कूल में। हालेलुया। और आज प्रभु की महिमा करने के लिए भी नंबर वन बन के रहूंगा। हालेलुया। कुछ दिन सारे तेरा नाता की दे नाले, कुछ दिन सारे तेरा नाता की दे नाले, कला कला पूछे नाले पूछदा जहाने, कला कला पूछे नाले पूछदा जहाने, शर्म सारे अनु दसा, शर्म सारे अनु दसा, तेरा नाता जी दे नाले। आप शर्माना नहीं है, दस देना साडा नाता किदे नाल आ, किदे नाल आ, यीशु नाल। हां एदा ही वीजा लगना तुहाडा भी फिर। हालेलुया। बैजो जोर से तारीफ करें, शाबाश। देखो ये भाई डेली हर संडे आता है, आपको पता है मेरी कार की सिक्योरिटी भी करता है, और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ऐसे लोगों को आशीष मिलती है जो सेवा करते हैं। यस। आप सीखना है, आपको सीखना है, सेवा का फल मिलता है जरूर यीशु मसीह के नाम में। yes. कुछ लोग मैंने सुना चर्च में आते हैं और कहते हैं जी फलाने ने मुझे डांट मार दिया, फलाने ने मुझे वहाँ बैठने नहीं दिया, इतनी सी बात लेकर नाराज होकर चले जाते हैं, वो कभी आशीषित नहीं होते। ये याद रखना, आपकी लड़ाई यीशु मसीह के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई पादरी के साथ नहीं है।
चर्च में किसी के साथ हो तो आप नाता किससे तोड़ रहे हैं? अपने चर्च से। आपको अपना नाता नहीं तोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। आपको आना है। मैंने एक आदमी को सुना, वो कहता है मैं पीछे ही आके बैठ जाता हूँ, कहता कई बार मुझे आगे नहीं जाने देते। मैंने कहा कोई बात नहीं, नमान वहाँ से मिट्टी लेकर गया जहाँ यीशु मसीह बैठा, जहाँ पर एलीशा बैठा, समझ रहे कि नहीं, प्रॉफिट। तो आपको बिलीव करना है, जहाँ पर भी आप बैठे हो परमेश्वर की नज़र में बैठे हो आप, वो आपसे प्यार करता है। जीसस लव यू, हालेलुया, बट यू आर हेट यू। हेट नहीं करना, आपको लव करना है। अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू। देखो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो मेरे साथ बोल रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो आई लव यू इन जीसस नेम। परमेश्वर आशीष दे इन सुंदर गवाहियों के लिए। ताड़ी बजाएं, yes. जोर से जाएं, जाएं, शाबाश। हालेलुया, प्रॉफिट जी इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। इनकी यूट्रस में कैंसर हो चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ पापा जी को जय मसीह, सारे कलेसियों को जय मसीह दी। डॉक्टर ने जवाब मेरे बेटे, कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर से। अमृतसर से? हाँ, तो आगे को आप, क्या प्रॉब्लम थी आपको? यूट्रस में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच नहीं सकती। मैंने इनोंटिक वाटर यूज किया, विश्वास किया, मैं चंगी हो चुकी। दोबारा रिपोर्ट कराई, नॉर्मल आ चुकी है यीशु के नाम में। देखो आपके सामने है, बता रही है कि यूट्रस में कैंसर हो गया था, बेचारी रो रही है और कह रही कि मैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया तो मैं विश्वास किया और उसके बाद मैंने यूज किया। अभी इसी सामने आपके सामने रिपोर्टें चेक कर सकते हैं कोई भी इसको, दोनों रिपोर्टें मैं पहले वाली आफ्टर और बिफोर कह रहे कि ये नॉर्मल है और ये पहले नॉर्मल नहीं थी। हालेलुया, आप चेक कर सकते हैं। कह रही कि मैंने दोबारा रिपोर्ट टेस्ट कराई, कैंसर यूट्रस में से उड़ गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर की गवाहियों के लिए तारीफ नहीं देते, तारीफ नहीं करते, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपका? बोला हालेलुया। आपने सुना था ना पिछली बार वो बहन बता रही थी कि मैं कितनी दूर से आती हूँ, पैसे भी नहीं होते तो भी आती हूँ। विश्वास, इसका मतलब एक प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है चर्च के साथ, बाइबल बोलती है प्रेम सबसे बड़ा है। आपने अगर गरीबी और कर्जे और बीमारियों के श्राप को तोड़वाना है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप सारी जिंदगी आप फेलियर हो, तो याद रखना संडे चर्च आने की आदत पानी है, अपने अंदर हैबिट पानी है। एक हैबिट होनी चाहिए। कितने लोगों के अंदर हैबिट है सुबह मुंह धोने की? हाँ, नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंह धोने की। हालेलुया, बहुत सारे लोगों की हैबिट है वो सुबह उठते मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उनके अंदर हैबिट नहीं है। आपको हैबिट पानी है, अगर डाल ली परमेश्वर आज रात अपने दिमाग में बिठा लेगा, कहेगा कि ये अब मैं इसको और ही मनुष्य बनाऊंगा, कोई और ही। आपके गांव वाले जानेंगे आज के बाद कि आप कोई और ही मनुष्य हैं, आप साधारण नहीं हैं। यीशु के चेले यीशु के साथ रहते थे, लोग कहने लगे तो साधारण थे, गरीब थे, अरे ये कलमुआ, अरे ये तो अनपढ़ था, अरे ये भी यहां बैठा है, ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि अरे ये आठवीं फेल हो गया था, ये कह रहा, अरे ये कह रहा जो लोगों से पैसे मांगता था, ये क्या कर रहा है? कहता है अब ये वो नहीं है, अब ये चमत्कारी हो गए यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। बेशक आप कुछ ना हो, लेकिन आज रात के बाद बहुत कुछ होंगे यीशु के नाम में। आमेन। टेस्टिमनी के साथ, हाँ हाँ, हालेलुया, गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ा मिराकल हुआ। ये बहन बता रही है इनके हस्बैंड 10 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। जैसे ये बहन स्पेशल सीट बोया, ले हैंड प्रार्थना करवाई, ये बहन बता रही है 10 साल के बाद इस बहन के हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल चुकी है। खुदावन के लोगों,
हाँ बेटे सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, शाबाश, जल्दी फटाफट। पापा जी को जय मसीह, सारी कलीसिया को जय मसीह। मैं परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मैं स्पेशल सीट बोकर और मैं प्रार्थना करवाई मेरे पति के जो लग गया टीचर में। और मैं जब पापा जी की लाइव देखती थी तो पापा जी जब प्रोफेसी करते थे तो लोग कहते हैं झूठा लाइव देखती, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा देखना, एक दिन प्रभु मुझको बहुत बड़ा देगा। प्रभु ने मुझके गर्मंजब के साथ प्लेस कर दिया। देखो आपके सामने बता रही है, कहाँ से आए बेटे, कहाँ से आए आप? यूपी से आए पापा। यूपी से आए हैं और ये लाइव देखती थी, बोल रही है कि मेरे पति को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है। क्या बोलते थे वो, झूठा देखता है? हाँ, लोग कहते थे हमको अगल बगल के कि झूठा देखती है, कुछ नहीं होने वाला। उसको बोलना, उसको बोलना मैं झूठा देखती हूँ, झूठा खाती भी हूँ। ब्रेड लेकर आना, बिस्कुट लेकर आना, लेकर खा के जाना। यीशु मसीह ने रोटियां तोड़ कर दी। हालेलुया, विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए आ जाना मेरे चर्च में, आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश, जल्दी 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 इसी समय। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अब अलाबा शबा लबा बलबा शबा लबा, पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से कर रहा हूँ, मैंने दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, सच में तेरी आवाज को इन तक पहुँचाने के लिए। जिसके नाम ANRSPMGKLV से एन से, आपको तीसरे महीने के अंदर भर दो फार्म, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज गवर्नमेंट जॉब में, yes. क्या आप तैयार हैं, विश्वास कर रहे हैं? प्रॉफिट जिन सबकी बहुत बड़ी गवाही है, किसी के पास 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 20 साल से, 25 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी, ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वर्ड को यूज किया, प्रोफेसी कर रिसीव किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मसीह की कितने लोग खुश हैं? मैं भी खुश हूं। सारे बोले हालेलुया। आपके सामने देखो लाइन लगी हुई है, किसी को 5 साल, कितने साल से बेटे? 3 साल से। 3 साल से, 5 साल से कोर्ट केस था मेरे पापा का, 5 साल से कोर्ट केस भी था, आजाद हो गए इसके फटाफट, इसके बाद गवाहियां लेंगे। 15 साल से, कितने साल से? 15 साल से बेबी नहीं था आपके पास, लड़की थी 4। अरे बेटा नहीं था, हम बेटियों के लिए दुआ नहीं करते हैं इधर। हाँ इधर आ जाओ। हाँ हाँ, कैसे मिली बेटे आशीष, पूछो से। नेक्स्ट, कैसे मिली आशीष से? चर्च में गए थे तो पड़ोसियों ने बताया था ताजपुर चर्च का नाम ज्यादा चलता है, आप उनसे प्रार्थना करो। क्या बताया था पड़ोसियों ने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पड़ोसियों ने बोला था कि जैसे ताजपुर चर्च जो है, हाँ तो ताजपुर चर्च वो उनका नाम लो अगर लड़का होगा तुम्हें, हाँ ज्यादा चलता है। तो फिर जाके हमने घर बैठे ही प्रार्थना की कि हमें जब 2 लड़के हो जाएंगे तो हम ताजपुर चर्च जाएंगे। सुनो, हमें 2 लड़के हो चुके हैं तो आज मैं आई हूँ 7 साल बाद ताजपुर। ये बता रही है, कह रही कि किसी ने बताया इनको कि ताजपुर चर्च में चले जाओ बेटों के लिए, ताजपुर चर्च का नाम ज्यादा चलता है। हालेलुया। आपको एक नहीं, लगातार हर हफ्ते गवाहियां सुनाता हूँ मैं, ये विश्वास की बात है। ये कहीं और गई थी पहले, लेकिन उस पादरी ने इसके बारे, इस यहाँ के चर्च के बारे में बताया, उसको भी आशीष मिले। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, कहाँ से? जय मसीह दी पास्टर जी, जय मसीह की पूरी कलीसिया। मैं ना बहुत ज्यादा बीमार थी, मेरे को किसी ने चर्च के बारे में बताया, मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी चर्च मुझे लेके आई। मैं इतनी पतली हो गई थी, मेरा वेट भी 30 किलो रह गया था, और मम्मी मुझे चर्च लेके आए, मैंने ऑयल वाटर यूज किया, मैं बिल्कुल चंगी हो गई और मुझे बेबी की ब्लेसिंग भी मिली। पापा जी ने मेरे नाम लेके प्रोफेसी की थी कि ज्योति तू नई चीज से ब्लेस होने वाली जा रही है, और मेरे को जो बेबी मिली और मेरे पास मिराकल मनी भी हुई 5000। अभी इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। कहाँ से आए? लुधियाने से। लुधियाना से। 3 बेटियां थी आपके पास? हाँ जी। कहाँ से आए? गुरदासपुर से। हाँ जी। जोर से बोलो, गुरदासपुर। अपनी गवाही दो लो, गुरदासपुर से आए। हाँ हाँ, तो ये पापा जी पहले नहीं था मानता ये। हाँ, तो मैं मानता था, ये मेरा नहीं मानता जी, मैंनु दस ये नहीं सी मानता ऐ मुंडा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंनु आखा तू मेरे चर्च चल एक बार। हाँ, मैंनु दूसरा साल चल रहा। हाँ, ये कहिंदा नहीं मैं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। मैं कहा बेटा तू एक बार चल के देख,
ये बेटी ना इनू फिक्स पढ़ दे, फिक्स पढ़ दे इनू, तो मैं लैके आया इनू ये वास्ते दुआ प्रार्थना की प्रभु दे, ये भी याद हो चुकी, इनू भी दवा सीगा, ये भी याद हो चुका, बेटे की ब्लैसिंग मिली। किन्नी बेटियां सीगी? ये तीन बेटियां। मैं देखो पहले इसने चीकू खाया बेटी होगी, फिर सेब खाया बेटी होगी, फिर ऑरेंज खाया फिर बेटी होगी, और फिर ने यीशु मसीह का लहू लगाया यहाँ पर आकर बेटा हो गया। देखो, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इनका विश्वास टूट गया था, कहते अब नहीं चढ़ जाना, तीन बेटियां होगी। तो इसने कहा कि तू मेरे नाल चल एक बारी, उसने कहा ना ताजपुर चर्च मशहूर है। ये पर जहां उम्मीद खत्म हो रही है, मैं कह रहा हूं ये अभिषेक है, आपकी उम्मीद फिर जागेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शाबाश शाबाश। दस दे अनु, दस दे। जय मसीह पापा जी। जय मसीह सारी कलीसिया नु। छड़ दे पापा जी, एदे अस्पताल दे विच बेटा होण वाला है ते मनु बहुत डराउंदे डॉक्टर, आंदे तुसीं ये बच्चा किद्दां कर लिया डॉक्टर साहब। ओए पास्टर जी, सॉरी पास्टर, तिना बेटियां तो बाद बेटा आया पास्टर साहब जी, प्रश्न आया बेटा होण साहब जी। जय मसीह पापा जी। ओके, जोर से तारीफ करें। अभी हमारे बीच में ज्यादातर गेस्ट आए हैं, उनको डालेंगे, उनको डालना, ठीक है। हाँ, जो हमारे बीच में गवाही देंगे। हाँ, दो मिनट रुकेंगे आप सब, आप सब इधर आ जाओ, अभी लेंगे दो मिनट। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, गवाही के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। भाई बता रहे हैं कि इस भाई की बेटी को काफी समय से माइंड में प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान थे और बिजनेस भी नहीं चल रहा था। जैसे ये भाई चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, इनकी बेटी नॉर्मल हो चुकी है और इनका बिजनेस ब्लेस हो चुका है। जदरू नल होवी दुआ ती मोच से हुंदे ने। लड़की माइक दे इधर। हालेलुया, 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 जय मसीह। पूरी कलीसिया को जय मसीह, पापा जी को जय मसीह। और मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने जो भी ठाना है ना पूरा करके छोड़ा है। मैं 2 साल से जुड़ा हूँ पापा जी से, मैं जुड़ता हूँ चंडीगढ़ चर्च में, और मैं ईस्टर में भी आया था और मैं क्रिसमस में भी आया। मेरा क्या है, बहुत बड़ा गवाही ये है कि मेरी बेटी का है, मेरी बेटी हो गई थी पागल टाइप हो गई थी, और किसी ने बोला कि वहाँ जाओ और आपका जो है परमेश्वर शायद हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ जुड़ना शुरू किया हूँ, तब से मेरी बेटी भी सही हुई है और अब वो ठीक है और वो अपना जो है अपना सेटल में हो गई, अपने लाइफ में आ गई है। और दूसरी गवाही ये है कि मेरा बिजनेस जो है कोरोना टाइम में मेरा बिल्कुल कलैप हो गया था, मेरी गाड़ी बिक गई थी, सब कुछ बराबर हो गया था। तो मेरा दोस्त है, तो इन्होंने क्या है कि हमारा